सांख्यिकी स्टेटिक्स कक्षा दसवीं के प्रश्नों को हल करने के लिए सांख्यिकी प्रश्नों को कैसे हल करते हैं एमपी बोर्ड कक्षा दसवीं के, इसको हम देखेंगे। इसके में सबसे पहले हम देखते हैं माध्य समांतर माध्य जिसको बोलते हैं, देखते हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की के सूत्र को देखते हैं। सबसे पहले वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य निकालने की दो विधियां होती हैं। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है लघुतर विधि जिसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है एक्स के ऊपर बार लगा है समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एक्स। तो इसमें हम फ्रिक्वेंसी और अंतराल के मध्यमान का गुणा करके उसका योग कर देते हैं और आवृत्तियों का योग का भाग दे देते हैं, तो हमारा समांतर माध्य निकल आता है। लघुतर विधि आसान विधि है, इसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ता है समांतर माध्य निकालने की। स्टेप डेविएशन मेथड, इसका फार्मूला होता है एक्स के ऊपर बार समांतर माध्य बराबर होता है ए धन सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणित एच अंतराल, जहाँ पर ए क्या है मध्यमान, जो हम कॉलम बनाएंगे उसमें हमें कोई अचर चुनेंगे स्वैच्छिक अचर, ठीक है, और एफ क्या है बारंबारता है आवृत्ति है, दूसरा कॉलम होगा। एक कॉलम हमारा होगा एफ यू मतलब आवृत्ति और u का जो मान होगा उसका दोनों का गुणा करने पर और उसको जोड़ने पर जो आएगा वो सिग्मा एफ यू कहलाएगा, इसको बोलेंगे आवृत्ति और u कॉलम के गुणा का u का मान कैसे निकालेंगे, u का मान निकालेंगे x मतलब मध्यमान वाले कॉलम से ऋण जो स्वच्छ कचर माना है बटे अंतराल, इससे हम u का मान निकाल लेंगे जहाँ x बराबर मध्यमान है अंतराल वाले कॉलम का और h जो है अंतराल। दूसरी होती है विधि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, इसके लिए होता है समांतर माध्य x का बार बराबर एक बटे n सिग्मा एक्स आई, मतलब जो भी हमको जहाँ एक्स आई बराबर दिया है सिग्मा एक्स आई बराबर होगा एक्स वन धन एक्स टू दस धन एक्स एक्स एन, और एन क्या है पदों की कुल संख्या, मतलब जितने पद हैं उतने ही पदों की संख्या का योग का भाग दे देंगे तो हमारा समांतर माध्य निकल आएगा। अब हम एक उदाहरण देखते हैं जिससे कि ये उदाहरण देखते हैं। एक प्रश्न है हमारा निम्न तालिका से माध्य की गणना कीजिए। प्राप्त अंक दिया है 0 से 10 के बीच में 5 है, 10 से 20 के बीच में 3 है, 20 से 30 के बीच में 4 है, 30 से 40 के बीच में 3 है, 40 से 50 के बीच में 3 है। ये प्राप्तांक है, ये विद्यार्थियों की संख्या है। तो हम एक टेबल बना लेंगे प्राप्तांक की 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और दूसरा कॉलम हमको दिया था 0 से 5 विद्यार्थियों की संख्या का 5, 3, 4, 30 से 40 के 3 में, 40 से 50 के बीच में 3, ये हमको दिया गया है। अब हमको सूत्र देखते हैं, सूत्र में हमको सिग्मा एफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो ए एफ का कॉलम बना लिया और उसका योग कर दिया तो सिग्मा एफ निकल आएगा, इनका सबका 5, 3, 8, 4, 12, 3, 15, 3, 18, ठीक है, सिग्मा एफ की वैल्यू निकल आई 18।
फिर हमको चाहिए ए, तो ए को निकालने के लिए हमको मध्यमान लेना पड़ेगा इसका प्राप्त अंक वाले कॉलम का, और एफ यू निकालने के लिए हमको सबसे पहले यू निकालना पड़ेगा। तो यू का मान हम कैसे निकालेंगे, यू बराबर एक्स माइनस ए बटे एच, ठीक है। तो इसके पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए मध्यमान, ए निकालना पड़ेगा, ए मतलब कल्पित माध्य, मतलब स्वैच्छिक अचर एक जिसको मानेंगे। तो एक्स की वैल्यू कैसे मध्यमान निकाल, मध्यमान मतलब एक्स किसका मध्यमान होता है, ये जो टेबल दी है अंतराल दिया है इसका योग करके इसमें दो का भाग देना, दस और शून्य दस, दो का भाग देंगे पाँच, दस और बीस तीस, तीस में दो का भाग देंगे पंद्रह, बीस और तीस पचास, पचास में दो का भाग देंगे पच्चीस, तीस और चालीस सत्तर, सत्तर में दो का भाग देंगे पैंतीस, चालीस और पचास नब्बे, नब्बे में दो का भाग देंगे तो पैंतालीस हो जाएगा। तो ये एक्स हमारा मध्यमान निकाल आया प्राप्त अंक वाले कॉलम का। अब इसमें से हम एक स्वैच्छिक अचर चुनते हैं, ऐसा अचर चुनते हैं जो लगभग बीच में आना चाहिए जिससे कि हमारा कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो हम इसको चुन लेते हैं, ये लगभग बीच में है, ए का मान हमारा आ गया 25। अब एच निकालना है हमको वर्गंतराल पाई या एच, इसको मान लो एच बराबर 10, 20 में से 10 गया 10, 30 में 10 गया, 30 में से 20 गया 10, 40 में से 30 गया 10, अंतराल इसका 10 है, तो एच का मान हमारा आ गया 10। अब हम देखते हैं सूत्र में, ए का मान हमको मिल गया, एच का मान मिल गया, एफ का मान मिल गया, एफ ही चाहिए था, तो यू बराबर एक्स माइनस ए बटे एच, इस सूत्र से हम यू का मान निकालेंगे और एफ यू, एक टेबल हमारा रहेगा एफ यू का, तो यू का मान निकाल लेंगे और फिर एक कॉलम हमारा रहेगा एफ यू का, ए एफ यू का, ठीक है। तो अब हम निकालना है यू का मान, एक्स माइनस ए बटे एच, तो एक्स हमारा क्या है 5 है, ए क्या माना है हमने 25 माना है, तो 5 में से 25 को घटाएंगे तो 20 आएगा, और 20 में 10 का भाग देंगे, एच बराबर 10 है, 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2, 15 में से इधर एक्स की जगह 15 रखेंगे, 15 में से 25 को घटाएंगे तो 10 आएगा, 10 में 10 का भाग देंगे तो ऋण 1 आएगा। ये 25 है, 25 रखेंगे, 25 में से 25 गया 0, 0 बटे 10 तो 0 आ जाएगा। अब एक्स की जगह हम रखेंगे 35 ऋण 25, 35 में से 25 गया 10, और ये इसका मान होता है 10, है ना। ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यू बराबर एक्स माइनस 25 बटे 10, इसमें एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे ये वाली, तो हमारे ये मान आ जाएगा 45 रखेंगे तो 45 ऋण 25, 20 बटे 10 यानी कि 2, तो ये हमारा यू का मान आ गया। अब हमको एक कॉलम चाहिए क्या, एफ यू, सूत्र में ये हमको एफ यू निकालना है, एफ यू, ठीक है। तो एफ यू वाला कॉलम चाहिए और उसको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ यू निकल आएगा, एफ यू, एफ हमारा ये है, ये एफ वाला कॉलम और यू वाला कॉलम ये है, तो इन दोनों का हम गुणा करते हैं, 5 × 10 ऋण 10, 3 × 1 = 3 ऋण 3, 4 × 0 = 0, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये हमारा यू का मान, एफ यू का मान हमने अलग अलग निकाला हुआ है। अब इसको चिन्ह के अनुसार जोड़ देंगे, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 ऋण 13 हो जाएगा, ऋण ऋण जोड़ा है, 3 और 6 हो जाएगा धन 9, तो 9 में से हम 13 को घटाएंगे
मतलब इन सब को जोड़ देंगे चिन्हों के अनुसार तो वो हो जाएगा सिग्मा एफ यू। सिग्मा मतलब एफ यू के सभी मानों का जोड़, सिग्मा एफ यू बराबर कितना जाएगा 13 में 9 का 4, ऋण 4। ऋण 4 इसलिए आए क्योंकि 9 में से 13 को घटाना है। सभी मान हमको लगभग प्राप्त हो गए हैं। माध्य बराबर देखते हैं सूत्र से, ए का मान हमको प्राप्त हो गया है, क्या आया ए का मान 25। सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू का मान हमने निकाल लिया है, क्या आया ऋण 4। सिग्मा एफ का मान हमने निकाला था 18, ये 18 आया। इन सब को जोड़ दिया एफ को तो सिग्मा एफ निकल आया। एफ सिग्मा मतलब एफ के सभी कालमों को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ हो जाएगा। और अंतराल, अंतराल हमने पहले ही निकाला था, 50 में से 40 को घटा दो तो 10 आ जाएगा, ये एच हमारा 10 हो गया। सभी मान हमको प्राप्त हो गए। अब इसको हम हल करते हैं, 10 चौको 40 बटे 18, ये ऋण में है तो ऋण 40 बटे 25, ऋण 40 बटे 18। ये चूंकि अब भिन्न है तो अब इनको घटाना है तो कैसे घटाएंगे, इसको हम घटाते हैं लघुत्तम निकाल, दोनों को भिन्न बना लेंगे 25 बटा 1 लिख के, और इसका लघुत्तम निकाल के हम इसको घटाएंगे। 18 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 18, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है तो हम आपको बता सकते थे। फिर 18 लघुत्तम आया तो 1 का 18 से भाग देंगे तो 18 आएगा। 18 का या ऐसे भी निकाल सकते हैं, 40 में 18 को भाग दे दो तो ये हो जाएगा 25 ऋण 18 में 40 का भाग देंगे तो आएगा 2.22, ठीक है। और 25 में से 2.22 को घटा देंगे तो बराबर आ जाएगा 22.78 अंक। अंक में दिया है उत्तर तो हम अंक में निकालेंगे तो हमारा माध्य आ गया, आंसर आ गया समांतर माध्य बराबर 22.78 अंक। यदि हमारा चैनल अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। ये रेड बटन जो दिख रही है जिससे कि और भी ट्रिक आपको प्राप्त होती रहेगी, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मैथ की नई नई ट्रिक प्राप्त होती रहेगी, नई ट्रैक प्राप्त होती रहेगी तो आपको नए नए सवाल समझ में आते रहेंगे। धन्यवाद।